में घूमने के लिए, तो काफी लोगों को यहाँ चलाते हैं। भाई को लाइक शेयर जरूर कर देना। थैंक यू यार। 10 रुपये सवारी है यहाँ पे एक ग्रुप। फ्रेंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो के साथ में आपका दोस्त शादाब नैनीताल। तो आज के ब्लॉग में आपको दोस्तों दिखाता हूँ मौसम के बारे में। तो नैनीताल का मौसम आज बहुत ही जो है खूबसूरत और शानदार मौसम हो रहा है। मेरे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं, पर शाम को दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है। अगर नैनीताल में घूमने के लिए आप लोग आ रहे हों तो कपड़े गर्म लेके आने ही पड़ेंगे। काफ़ी तेज़ों से जो है ठंडा भी हो रहा है, उसी जिस तेज से ये धूप निकल रही ना इसी तरीके से रात को ठंड भी बहुत अच्छी खासी ठंड हो रही है। तो अभी हम खड़े हैं माल लोड के स्टार्टिंग के पास, शौचालय है उसके ऊपर खड़े हैं अभी। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपना माल लोड की जहाँ से स्टार्टिंग होती है, 6 से 8 अपना माल लोड जो है बंद हो जाता है अपना, और टूरिस्ट जो है उसमें सिर्फ वॉकिंग कर सकते हैं, गाड़ी आपके लिए अलाउड नहीं है। तो अभी हम आपको जो है थोड़ी देंगे नैनीताल की रिक्शा के बारे में जानकारी में। काफ़ी हमारे ये सब्सक्राइबर पूछते हैं कि नैनीताल में रिक्शा चलती हैं वो कहाँ से कहाँ चलती हैं, जो आजकल नई ई रिक्शा आ रही हैं वो कहाँ से कहाँ जाती हैं, केव गार्डन पर पॉइंट में जाती हैं नहीं जाती हैं पूछते हैं। पर वो दोस्तों सिर्फ जो है तल्ली ताल से मल्ली ताल के नहीं है, अब वो यहाँ से लेके मल्ली ताल रिक्शा स्टैंड से ऊपर के साइड नहीं जाएगी और तल्ली ताल से रिक्शा स्टैंड से आगे कहीं नहीं जाएगी, उससे आगे उसके लिए अलाउड नहीं है। चाहे कहीं भी कितना भी इमरजेंसी काम हो उसके लिए अलाउड नहीं हो, वो सिर्फ वहीं तक ही रहेगी। तो चलिए मैं आपको रिक्शा दिखाता हूँ। और यहाँ पे पेट्रोल वाली रिक्शा जो है मार्च के महीने में सुना बंद होने वाली है, तो अभी हम आपको ई रिक्शा दिखाएंगे। काफ़ी जो है अभी नई ई रिक्शा भी आई है और उसके बारे में आपको अपडेट देते हैं। काफ़ी हमारे सब्सक्राइबर पूछते हैं तो उन्हीं लोगों के लिए खास जो है ये ब्लॉग बना रहा हूँ। और देखते हैं नैनीताल का आज जो लेक है बहुत ही चमक मार रहा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे मेरे चेहरे पे देखिएगा चमक पड़ रही ना, इसी तरीके से बीच लेक के अंदर चमक लग रही है सूरज के सामने, सूरज देखिएगा। और दोस्तों जल्दी जल्दी आइएगा, नैनीताल में 20 तारीख से जो है दुर्गा पूजा का मेला चालू होने वाला है, तो आप लोग देखते हैं 24 तक जो है मेला रहेगा। तो जिसे आना नैनीताल में घूमने के लिए आप लोग आ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं और आप लोगों को नई जानकारी देते हैं नैनीताल के बारे में। आप लोग देखते हैं हमारे नैनीताल में एक रिक्शा स्टैंड है तल्ली ताल से मल्ली ताल के, नहीं जो आप लोगों को इसमें बैठ के जाना पड़ता है। और ये सिर्फ जो अपना तल्ली ताल से मल्ली ताल के लिए ही हैं अवेलेबल, इससे आगे ये ना जाती हैं और ना ही इनके लिए अलाउड है। तो यहाँ पे जो है 10 रुपये सवारी में आप लोगों को इसमें बैठने पड़ेगा। अगर पेडल वाली रिक्शा चाहिए तो पेडल वाली भी है, ई रिक्शा चाहिए ई वाली भी है। तो यहाँ देखिए लाइन से हमारा वहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा रिक्शा स्टैंड है। और यह सामने टिकट काउंटर जो यहाँ पे आपको 10 रुपये एक सवारी का देना पड़ेगा। अगर आप 5 सवारी हैं तो 5 जनों के लिए पूरी एक रिक्शा है, और 2 जने हैं अगर इसमें बैठना चाहें तो इसमें बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या हाल है भाई। बढ़िया बढ़िया। मैं ये पूछ रहा था कि इन वाली रिक्शा में मज़ा आ रही है या उन पहले वाली जो चलाते थे उसमें मज़ा आ रहा है? हाँ मज़ा आएगा। हैं तो ये मतलब इसमें जो है कितनी सवारी बैठती हैं? 5। और उस वाली में? 2 सवारी बैठ, मतलब किराया सेम ही है ना? 10 रुपये सवारी। 10 रुपये सवारी है, चाहे कितनी सवारी हो। तो मतलब अभी नई रिक्शा जो आई हैं वो कहाँ हैं? चली गई नीचे। वो भी चली गई। कितनी रिक्शा आई हैं? टोटल 14 हो गए। 14 रिक्शा हो गए ना। तो अभी ये मतलब ये वाले बंद हो जाएंगे या चल ये भी चलती रहेंगी? मार्च में सब बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों ये वाली जो है रिक्शा मार्च में बंद हो जाएंगी और सारी जो है ई रिक्शा ही चलेंगी। तो यहाँ से देखिए वहाँ तक जो है सारी ई रिक्शा खड़ी हैं, ये देखिएगा आप पूरी लाइन से। अभी इसमें भी जो है नंबर वाइज से जो रिक्शा चलती हैं, अगर जैसे वो रिक्शा जाएगी तो फिर आप उसके बाद ये रिक्शा जाएगी, फिर ये जाएगी, फिर ये जाएगी। और आप जैसे वहाँ से आ रहे हैं सवारी लेके, वहाँ से बिठाने के बाद फिर आपको उसी आगे से घुमा के उसके पीछे लाइन पे लगाना पड़ेगी यहाँ इस तरीके से। तो ये वाली जो है पेडल वाली रिक्शा यहाँ पे बंद हो जाएंगी मार्च के महीने में सुना है। तो आपको इन रिक्शा में बैठने के लिए इस तरीके से देखिए, जैसे आंटी जा रही है ना आपको टिकट लेना पड़ेगा काउंटर से। ये टिकट काउंटर है, तो यहाँ पे माइक लगा के बोला जाता है
कि ये नंबर रिक्शा आ गया, आइएगा इनका नंबर आ गया। तो ये माइक देख सकते हैं आप लोग, और यहाँ पे देखिए लाइन लगाना पड़ती है रिक्शा के लिए। ये नहीं कि अगर जैसे काफ़ी हमारे टूरिस्ट आते हैं नैनीताल में वो रिक्शा को हाथ देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे जो है टोकन से ही रिक्शा लेना पड़ती है। कितना खूबसूरत और कितना प्यारा मौसम हो रहा है देखिए आज नैनीताल का, और कितनी अच्छी धूप भी निकल रही है। तो ये हमारा भाई साहब जा रहे हैं, नासिर भाई घूम घाम के आ रहे हैं, तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग। और अभी देखिएगा जो हमारा पंत बाज़ार है, जिसे सस्ता बाज़ार बोलते हैं, अभी यहाँ पे कुछ नहीं लगता है। यहाँ पे जो है 6 से 4 ही मार्केट वगैरह लगती है यहाँ पे। और एक देखिए लग रहा है आज भी हमें ग्रुप देखने नहीं मिला, तो काफ़ी जो है लोग यहाँ पे स्कूल के ग्रुप लेकर आते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे देखिए सभी हमारे भाई लोग जो है खाली बैठे हैं, क्योंकि नैनीताल में आज हमें टूरिस्ट भी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे बंदा। और यहाँ पे देखिए अभी हम आपको लेके चलते हैं लेक के पास, और लेक में दिखाते हैं कि किस तरीके से आज धूप की चमक पड़ रही है। और यहाँ पे एक ग्रुप जो हमें नज़र आ रहा है, तो अभी हम देखते हैं, थोड़ा सा भीड़ काफ़ी ग्रुप की भीड़ जा रही है, उसके बाद हम आपको थोड़ा लेक का नज़ारा दिखाते हैं। दोस्तों किस तरह की जो है सूरज की चमक से पानी के अंदर देखिए कितनी प्यारी जो है चमक आ रही है, ये देखिएगा। और अभी जो है लेक भी हमारा सुनसान लग रहा है, यहाँ पे इक्का दुक्का जो है बोटिंग नजर आ रही है। तो अक्टूबर के महीने में इसी तरीके का हमारा नैनीताल का मौसम रहता है, काफी अच्छी धूप निकलती है। और इसमें आपको जो है आपको जनवरी फरवरी में भी आएंगे तो इसी तरीके का आपको जो है मौसम मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से, और कितना प्यारा जो मौसम है देखिएगा। तो हमारी देखिएगा बोट जो है जनवरी फरवरी और अपना अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो है इस तरह से रिपेयर होती हैं, क्योंकि सीजन के लिए इन्हें पूरा रेडी किया जाता है। साल में जो है 2 बार इस तरह से हमारे रिपेयर की जाती है, देखिएगा। और ये क्या लग रहा है आप लोग देख सकते हैं, ये इसलिए लगाता है बोटिंग कि मच्छी वगैरह जो है लकड़ी को ना खाएं। तो ये हमारे चौहानदा बोट बनाते हैं यहाँ के अध्यक्ष साहब हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया मौसम और कितना खूबसूरत जो है नज़ारा हमें देखने के लिए मिल रहा है। इसी नज़ारे के लिए आप लोग जो है जनवरी फरवरी में आ सकते हैं। आप लोगों को वहाँ पर तो प्लान्स में जो है धूप नहीं निकलती, पर यहाँ पे बहुत इस तरह की धूप आप लोगों को हमेशा निकलते हुए दिखेगी। जब बर्फ़ पड़ती है तो थोड़ा सा मौसम, जब तक बर्फ़ पड़ती है मौसम थोड़ा सा ठंडा रहता है, उसके बाद जो है इस तरह की कि आपको चारों तरफ से धूप हमें देखने की नहीं मिलती है। तो ये हमारे बड़े भाई हैं, तो यहाँ पे बोट चलाते हैं। भाई को लाइक शेयर जरूर कर देना। थैंक यू यार भाई, काफ़ी हमें भाई लोग हमें सपोर्ट करते रहते हैं, हमारे नैनीताल के भाई जो यहाँ पे रहते हैं लोग बार। और देख सकते हैं आप लोग इस तरह का नज़ारा आप लोगों को देखने मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए कि हमें कपल्स वगैरह भी भैया घूम के आ रहे हैं बोटिंग में, और काफ़ी अच्छा मौसम भी जो है हमें देखने के लिए मिल रहा। तो इस तरह का मौसम देखने के लिए दोस्तों नैनीताल आइए जल्दी जल्दी घूमने के लिए। तो अभी हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे मेला चालू होने वाला है, वो भी मैंने आपको जैसे बताया अभी मेला चालू हो जाता है। तो अभी यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि दशहरा का मेला किस तरह से लगता है। चलिए तो आपको मेले के और लेके चलते हैं हम। दोस्तों फाइनली सारे जो मेले की दुकानें थी अपनी जगह जगह पे पहुंच गए, जिसने जो दुकानें लेनी थी पकौड़ियों की चाय की खाने पीने की सब जगह अपने सेट हो गए। तो पहले स्टार्टिंग जो अपनी रहती बोलन की,
दुकान मिलेगी आपको जहाँ पे बढ़िया से बढ़िया आपको बुलन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ देखिएगा और इधर सामने जो है पूरा खाने पीने का आइटम वगैरह, सामने बिरयानी है, पकौड़ी है, हलवा पराठा है इधर, और इधर भी अपना बुलन का आइटम है सामने, बढ़िया से बढ़िया अपना आइटम वगैरह, अपना सस्ता बाजार अरे मान के चली गए पूरे। यहाँ पे सस्ते सस्ता आपको बढ़िया से बढ़िया आइटम आपको यहाँ पे मिल जाएगा बुलन का। तो इस तरह से देखिए सारे जो हैं ये गरम लोवर टंगे में सारे, तो यहाँ पे 100-200 रुपए की सेल आपको बढ़िया से बढ़िया मिलेगी। तो ये मेला हर साल लगता है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को दी है एंट्री वगैरह मेले के अंदर के जाने की नहीं है, तो यहाँ से आप एंट्री करिए और इसी के साथ अपने जो लोवर वगैरह किसी को लेना है तो लोवर यहाँ से बढ़िया लोवर ले सकते हैं। जो मैं ये लोवर देख रहा हूँ 200 से 300 तक की सेल में यहाँ पे लगे रहते हैं यहाँ पर। और देखिए जगह जगह पर मेरे सामने देखिएगा, कहीं 100 रुपये की सेल लगी है, कहीं पर 200 रुपये की सेल लगी है। तो अब ये देखिए सामने 100 रुपये की सेल लगी है। तो ये है लेडीज़ लोवर और इसी के पास में जो है वूलन टी शर्टें भी सामने आप लोगों को टंगे हुए दिखेंगी। तो अभी हम चलते हैं आगे की ओर। तो ये है अपने लेडीज़ लोगों का आइटम, काफ़ी अच्छा अच्छा वूलन कपड़ा यहाँ पे मिलेगा। तो ये भी जो है पूरी सेल लगी है लेडीज़ आइटम। अपना चिल्ड्रन पार्क, तो यहाँ पे जो है बच्चे काफ़ी जो है झूला भी झूलते हैं यहाँ पे इस तरीके से। और इसी के साथ ये काफ़ी जो सीज़न में लोग बार अपना कुछ खाने का सामान लेते हैं यहाँ पर, कुछ आइटम वगैरह लेकर आते हैं अपने घर से पका करने। तो यहाँ पे इस तरीके से लोग बार अपने बैठ के जो है लंच वगैरह यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ से अपना व्यू भी देख सकते हैं, देखते हैं और अपना खाना भी खाते हैं। तो यहाँ पे बैठने के बाद दोस्तों जो दो रोटी खाता होगा तो उसका एकदम 4 रोटी खानी पड़ती, क्योंकि इस तरह का व्यू देखने के लिए दोस्तों लोग वो लोग कहाँ कहाँ से दूर से कितने मोड़ घूम घाम के यहाँ पे आते हैं यहाँ पे नैनीताल में घूमने के लिए। तो काफ़ी लोगों को यहाँ पे चक्कर भी आते हैं। तो वो सारी मतलब ये सोच के चली गए इतनी मुसीबतों से और इतनी दिक्कतों से वो यहाँ पे पहुँचते हैं, जिसे उनके लिए बता रहा हूँ, जो जिसे वोटिंग आती है वो कहता है पहाड़ों पे हमें चक्कर आएंगे घूमने आएंगे। तो उनके लिए दोस्तों कितना सोच लिया गया यहाँ पहुँचना मुश्किल होता है। तो वो यहाँ पे बैठ के आराम करते हैं, वो कहते हैं हमें कहीं नहीं जाना, सिर्फ यहाँ बैठ के अपना आराम करना है और नैनीताल का इस तरह का अपना व्यू देखना है। तो आप लोगों को भी मैं आपको बताता हूँ, ये चिल्ड्रन पार्क जो अपना सस्ता बाज़ार और पंत मार्केट के बीच में ही आपको मिलेगा। जैसे आप तिब्बत मार्केट और नैनी देवी की तरफ को जाएंगे माल रोड से, तो वही आपको रास्ते में लेफ्ट साइड में देखने के लिए लेक के पास मिलेगा। चलिए फाइनली दोस्तों, जैसे मैंने आज आपको अपने अपडेट दी है और काफ़ी जो है मौसम इस टाइम देखिएगा चमक चमक वाला मौसम हो रहा है, मेरे चेहरे पे भी देखिए चमक आ रही है और नैनी लेक में भी किस तरह का कितना शानदार जो मौसम हमें देखने को मिल रहा है, कितना खूबसूरत नज़ारा। तो देखिए यहाँ पे भी काफ़ी जो है स्टूडेंट लोग भी घूम रहे हैं। तो ये महीना आप लोगों को मैंने जैसे बताया, ये ज़्यादातर इसमें ग्रुप के ही बच्चे लोग स्कूलों के बच्चे आते हैं और अपने टीचर लोग आते हैं और काफ़ी किसी कंपनी के जो ग्रुप आते हैं वो ज़्यादातर ये पूरा ग्रुप के ही साथ लोग बात यहाँ पे इस महीने में घूमने के लिए आते हैं। तो दोस्तों जैसे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो तो बेल आइकन का बटन भी दबाया करो, अपने दोस्तों से उनसे कहा करो वीडियो को आगे से ज़्यादा शेयर करो। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड।